जाम पनीर भुर्जी बनाएंगे। एकदम सिंपल रेसिपी है। इसके लिए हमने लिया है 1 कटोरी पनीर खीस के लिया है, 1 कटोरी प्याज बारीक कटी, 1 कटोरी टोमेटो बारीक कटा, हरा धनिया, लहसुन क्रश करके लिया है 5 से 6 कलियाँ, अदरक क्रश करके लिया है, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी दालचीनी पाउडर, तड़के के लिए राई, जीरा और मेल्टेड बटर लिया है। आप यहाँ पे एवरेस्ट का गरम मसाला, किचन किंग मसाला भी यूज़ कर सकते हो या तंदूरी चिकन मसाला भी यूज़ कर सकते हो। पहले हम पैन गरम करेंगे और पैन में ऑयल लेंगे। मैं यहाँ 1.5 चम्मच ऑयल लिया है, बड़ी चम्मच से। अब हमारा तेल गरम हुआ है, हम इसमें थोड़ा राई डालेंगे, जीरा डालेंगे और 1 कटोरी प्याज डालेंगे। राई और जीरा फूटने के बाद ही प्याज डालना है। अब हमारा प्याज हल्का सा ब्राउन हुआ है, इसमें हम लहसुन ऐड करेंगे, क्रश किया हुआ लहसुन, क्रश अदरक, इसे भी थोड़ा ब्राउन होने देंगे। अब हम इसमें टोमेटो ऐड करेंगे 1 बाउल, टमाटर और प्याज का सेम क्वांटिटी लेना है। अभी इसे अच्छे से पकने देंगे। टमाटर को पानी छूटता है तो टमाटर पकने में थोड़ा टाइम लगता है। ये रेसिपी कॉलेज गोइंग या हॉस्टल स्टूडेंट के लिए एकदम मस्त है। अब हमारा टमाटर अच्छे से पका है, इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्ची पाउडर आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हो, कम ज़्यादा। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली है, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी सी दालचीनी पाउडर और थोड़ा मेल्टेड बटर डालेंगे हम, या आप घी भी डाल सकते हो। बटर डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून और हमारा मसाला अच्छे से पकने देंगे। पूरा तेल घी छूटा है इसका। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे, पनीर को ऐड करने के बाद हम इसमें पनीर के हिसाब से हम नमक ऐड करेंगे, 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक डाला है। टोमेटो की खट्टास आती है भुर्जी में, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे, बिल्कुल थोड़ा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये होममेड पनीर है, इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हरा धनिया, अब हमें इसे अच्छे से पकाना है मिक्स करके। हम जब बाहर की होटल की भुर्जी खाते हैं तो वो थोड़ी डार्क कलर की आती है, क्योंकि उसमें ऑरेंज रेड कलर मिक्स किया होता है। हम इसमें कलर नहीं यूज़ करेंगे, जो भी नेचुरली हमारे लाल मिर्च का कलर आएगा वही हम रखेंगे। अब आखिरी में हमने यहाँ 1/2 चम्मच हमने गरम मसाला लेना है। आपके पास जो गरम मसाला अवेलेबल है वो, या किचन किंग मसाला भी चलेगा, या तंदूरी चिकन मसाला भी चलेगा, या एवरेस्ट का गरम मसाला भी चलेगा, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है बस। अब हम इसे ढक के एक बाफ आने देंगे। 2 मिनट में ही हमारी भुर्जी तैयार है। पैन में हम थोड़ा सा घी लेंगे, घी या बटर कुछ भी ले सकते हो आप। हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, इसमें हम पाव गरम कर लेंगे।
पाव के साथ भुर्जी सर्व करेंगे। आप फुलके के साथ भी सर्व कर सकते हो या नान के साथ भी सर्व कर सकते हो, लेकिन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए पाव कभी भी अवेलेबल होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे पाव के साथ सर्व करनी है।